अगर सर्व पूरक साधना पूरक, सर्व पूरक और साधना पूरक अपने आप को खाली करने को तैयार हो, अपने आप को खाली करने को तैयार हो, नेति नेति की तलवार से खुद को, नेति नेति की तलवार से खुद को काटने को तैयार हो, तो ज्ञान मार्गी हो सकते हो, तो ज्ञान मार्गी हो सकते हो। और अगर विनम्रता पूर्वक, और अगर विनम्रता पूर्वक झुकने को तैयार हो और स्वीकार करने को तैयार हो कि, और स्वीकार करने को तैयार हो कि हम अशक्त और असमर्थ हैं, तो भक्ति का मार्ग तुम्हारे लिए है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आज सेकंड कंसेप्ट से भक्ति, और आज हम जस्ट बात करेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दो वीडियो हमने अपलोड कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा थर्ड वीडियो आ रहा है जिसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टेन एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। वो तो 10 4x प्लस cot 4x बराबर क्या रहेगा, मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ cot 10x प्लस cot x बराबर 2 से 1/2 दे रखा है। कल हमने लगभग 3-4 प्रकार के क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर हमने पहले तो बात की थी दोस्तों। यहाँ पे मैं बताना चाहूँ साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 2 था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो नहीं पावर थी, वो कितनी भी हो सकती थी, ठीक है। ऐसा हमने कल कल ऐसे जस्ट हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और यहाँ पे इनकी पावर कितनी भी हो सकती थी, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी वो 2 थी, अब की बार 2 नहीं है तो 2 से 1/2, ठीक है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और एक दूसरा टाइप का दूसरा यहाँ पे कौन भी अलग अलग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किया था साइन थीटा प्लस कोट थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एंड यहाँ पे इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 2 थी, और यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए थी, ठीक है। इसमें पावर जो होती है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों 2 थी, ठीक है। यहाँ पे साइन और एक्स का मान मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन आगे नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टेन एक्स और फोर एक्स दे रखा है और जस्ट एक दूसरे से पूरक है, जस्ट एक दूसरे से क्या दोस्तों पूरक है, ठीक है। हमने कल बात की थी तो की थी इनके लिए दोस्तों, और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टेन एक्स और कोट एक्स, टेन एक्स और कोट एक्स एक दूसरे से पूरक पूरक मतलब व्युत्क्रम कह सकता हूँ या उल्टा कह सकता हूँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर टेन एक्स को मैं टेन एक्स को 2 लेता हूँ, ठीक है, टेन एक्स को मैं क्या लेता हूँ दोस्तों 2 लेता हूँ, तो कॉट एक्स हमारे पास 1/2 हो जाएगा। कॉट एक्स यानी कि टेन एक्स का जस्ट यहाँ पे मेरे को टेन एक्स इज इक्वल टू 1/4 कॉट एक्स होता है, ठीक है। यानी 2 से 1/2 देता है, यहाँ पे टेन एक्स को अगर मैं 2 लेता हूँ तो कॉट एक्स यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगर ऐसा नहीं करना चाहे दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कॉट एक्स, या फिर मैं कह सकता हूँ कॉट एक्स को अगर मैं यहाँ पे 2 लेना चाहूँ, ठीक, कॉट एक्स को अगर मैं 2 लेना चाहूँ तो यहाँ पे टेन एक्स बराबर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये दो एक दूसरे के पूरक होते हैं, या फिर जस्ट मैं कह सकता दोस्तों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेन एक्स की वैल्यू मिल गई, कोट एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट अप कर लेते हैं, टेन एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे कितना जाएगा 4, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे कोट एक्स 1/2 की पावर यहाँ पे कितना जाएगी दोस्तों, जस्ट 4, ठीक है। ये 2 यहाँ पे 16 प्लस 1/16, सो 256 प्लस 1/16, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों 257/16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे दोस्तों इसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे टेन एक्स और कोट एक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम में, मतलब यहाँ पे टेन एक्स इज इक्वल टू 1/4 कोट एक्स, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज है हमारे पास, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज का भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे आप मैं कह सकता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रॉन की, नहीं सॉरी यहाँ पे मेटल की मैच पर, तो उसमें मैग्नेट की आपके साथ साथ तेज चल रही, यानी टेन एक्स प्लस 1/x इन टेन टेन प्लस 1/10, ठीक है। इस प्रकार से अगर ये हमारे पास पी है, पी हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू यहाँ पे p² माइनस का 2 होगा, ठीक है। इसका हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, इनका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसका लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x³ प्लस 1/x³, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों pq माइनस 3p², pq माइनस का 3p, ठीक है। एंड अगर मैं बात करना चाहूँ तो दोस्तों नेक्स्ट इसी प्रकार से
यहाँ पे x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 दैट मींस यहाँ पे p जस्ट मेन दोनों का गुणा जाए p स्क्वायर माइनस 2 और p स्क्वायर माइनस का 2 और p p स्क्वायर pq माइनस का 3p और माइनस का p ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों फॉर्मूलों का आप अच्छे से याद रख सकते हो, ये अलजेब्रिक हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब ये क्या एक दूसरे से पूरक रहे, एक दूसरे से युग्म रहे, तब यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। एक बार जल्दी से इसको दोस्तों करें, ठीक है, फिर बाद नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं इसके बाद। और जल्दी से दोस्तों एक बार सीधे ग्रेड में शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आगे वाली बात हमारे लिए सरल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और इसी टाइप का ले रहा हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ द क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पे काफी क्वेश्चन आपको आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, जिसको नहीं आता वो नई चीजें सीख ही रहे साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करता तो कहीं ना कहीं आपके आगे ही आते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ इसके बाद यहाँ पे tan a plus cot a is equal to यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो जस्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों tan a plus cot a is equal to यहाँ पर अनुरूप तीन ले रहा हूँ। किधर है दोस्तों, यहाँ पे अनुरूप तीन हो तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों हो तो यहाँ एक। ठीक है, हो तो यहाँ पे tan q a plus cot QA is equal to क्या रहने वाला। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे tan और cot एक दूसरे से रेसिप्रोकल होता है, मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों x plus 1 upon x is equal हमें यहां पे p दे रखा है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से सिचुएशन है, तो यहां पे मैं x cube plus 1 upon x cube दैट यहां पे tan cube plus cot cube दे रखा है, दैट यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों ये क्या आएगा pq minus 3p इस प्रकार से रहने वाला है। p इज द अनरूट 3, p इज द अनरूट 3 दैट यहां पे अनरूट 3 का होल क्यूब माइनस 3 इनटू अनरूट p 3 इनटू p दैट मींस यहां पे अनरूट 3। ठीक है, इसको एक मिनट। ठीक, तो देखो यहां पे इसको 3 अनरूट 3 इस प्रकार से लिखते हैं 3 अनरूट 3 दैट मींस यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसको कर एक बार जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूं दोस्तों कुछ नई बात। ठीक है, जिसके अंदर रहेगी दोस्तों यहां पे मैं कह सकता हूं कि जस्ट हम डिफरेंशियल जो हम अवकलन करते हैं, सीमाएं करते हैं, जिसके अंदर हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं, उस टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इनको जल्दी से बिना विलंब किए करें। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक बार कर ले, आई थिंक मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम 6 प्रकार के, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, यहाँ पे जो अवकलन है उसके अंदर भी हम यहाँ पे सीमाओं के अंदर भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जस्ट पहले बात करो दोस्तों यहाँ पे ए डब यहाँ पे जस्ट पहले बात करो दोस्तों ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का, और यहाँ पे मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ दोस्तों, ये 6 प्रकार से रहेगा। ठीक है दोस्तों, 6 प्रकार में काउंट करके बताऊंगा कि 6 प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम किस वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू किस प्रकार से रहेगी, देखो तो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों ए मैक्सिमम वैल्यू रहेगी कब, जब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए इज ग्रेटर देन टू बी हो। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन टू बी, और मिनिमम वैल्यू रहेगी दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों जस्ट बी रहेगी कब, जब यहाँ पे ए इज
इज ग्रेटर देन टू बी, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से, यानी बी बड़ा है यहाँ पे, बी ए बड़ा है बी से, दैट मीन्स छोटा कौन सा यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू यहाँ पे बी रहेगी, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू की मैं अगेन बात करूँ, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बी रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू बी रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बी रहेगी कब, जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बी इज ग्रेटर देन टू ए, मैक्सिमम वैल्यू बी रहेगी जब बी इज ग्रेटर देन टू ए, ठीक है, यानी कि बी बड़ा है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बी रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बी छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं, बी छोटा है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी रहेगी। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों अगर ए छोटा है, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए छोटा है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, ए रहेगी। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ए बड़ा है तब मैक्सिमम वैल्यू ए, अगर बी बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू बी, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी छोटा है तो यहाँ मिनिमम वैल्यू यहाँ पे बी, और यहाँ पे मैं ए छोटा है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ए रहेगी, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ इसी प्रकार से, यहाँ पे ये तो हमारे पास साइन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का था मामला, ठीक है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर दे रहेगा, ठीक है, तब यहाँ पे मैं इस प्रकार से इनको निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सेकंड सिचुएशन में ले रहा हूँ, सेकंड सिचुएशन के अंदर जस्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों की अगर हमारे पास स्क्वायर नहीं देगा, ए साइन थीटा देगा सिंपली, ठीक है, एंड बी कॉस थीटा देगा, ठीक है, का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान और मिनिमम मान यहाँ पे क्या रहने वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से डिनोट कर लेता दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे इनके जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा दोस्तों मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रहेगी दोस्तों जस्ट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आया कैसे दोस्तों, इसकी हमने कल बात की थी, जस्ट मैं कह रहा दोस्तों कि हमने कल इक्वेशन किया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, यानी कि ट्रिप्लेक्स बनाए, ये क्या बनाए दोस्तों ट्रिप्लेक्स बनाए, यानी कि जस्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते तीन साइन थीटा प्लस चार कॉस थीटा इज इक्वल टू पांच, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पांच का प्रत्येक पद में भाग दिया था, और यहाँ पे पांच का भाग देने के बाद साइन थीटा के बराबर गया, कॉस थीटा के बराबर गया, और फिर बाद इनका इनके वर्गों का योग करके अनरूट किया था, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से ये भी इनका वैल्यू रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो इनको एक बार जल्द या फिर मैं जस्ट मैं कह रहा हूँ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे एक और बात कर रहा हूँ दोस्तों जो मैंने पहले करने चाहिए थी, मैं कह रहा हूँ दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के छह तरीके होते हैं, छह तरीके कौन कौन से होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जस्ट साइन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, आपको टेबल याद होनी चाहिए पूरी की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों साइन कॉस ये एक दूसरे से पूरक रहता है, ठीक है दोस्तों, ये एक दूसरे से पूरक रहता है, फिर बाद में टेन कॉट ये एक दूसरे से पूरक रहता है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे सेक और कोसेक थीटा, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या रहता है दोस्तों पूरक, कैसे रहता है पूरक, यहाँ पे मैं जस्ट अगर टेबल की बात करूँ तो आई थिंक आपको टेबल के बारे में पूरा नॉलेज होगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं टेबल बना देता हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं बता दूं तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बाद में यहाँ पे टेन थीटा, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ कॉट थीटा और कोसेक थीटा, एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कोसेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे जीरो डिग्री, फिर तीस डिग्री, फिर पैंतालीस डिग्री, और यहाँ पे साठ डिग्री, और यहाँ पे नब्बे डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से। और हमें यहाँ पे टेबल की पूरी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। साइन जीरो का मान यहाँ पे एक, फिर बाद में एक बटा दो, फिर बाद एक बटा अनुरूट दो, फिर बाद में अनुरूट तीन बटा दो, और यहाँ पे एक, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक, फिर बाद में अनुरूट तीन बटा दो, और यहाँ पे एक बटा अनुरूट दो, और यहाँ पे एक बटा दो, और यहाँ पे जीरो, ठीक है, यहाँ पे जीरो, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें जीरो बटा एक, यानी कि जीरो, फिर बाद में यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें क्या रहेगा वन बाय अनरूट थ्री, फिर बाद में अगेन यहाँ पे एक, फिर बाद में अनरूट थ्री, एंड अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अनरूट थ्री, वन, वन बाय अनरूट थ्री, और फिर बाद में यहाँ पे कॉस थीटा के लिए बात करो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेक थीटा, यानी कि एक बटा कॉस, एक बटा कॉस, यहाँ पे एक बटा कॉस, ठीक है, कॉस यानी कॉस की वैल्यू यहाँ पे एक है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा मैंने, एंड यहाँ पे दो, फिर बाद में अनरूट दो, फिर बाद में अगेन यहाँ पे दो बटा अनरूट तीन, एंड अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी
दो बटन रूट तीन, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ तो अनुरूप दो और यहाँ पे दो और यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिखा, मतलब यहाँ पे कहने का दोस्त ये है मैं पूरक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यानी कि पूर्व गुणों का जो योग होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है। पूर्व गुणों का योग अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों साइन अगर 60 डिग्री का मान, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँ साइन 60 डिग्री का मान जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक अनुरूप तीन या फिर अनुरूप तीन बटा दो है, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान यानी कोणों का योग यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ अनुरूप तीन बटा दो, यहाँ पे भी है कोस 30 डिग्री का मान भी, साइन 60 का मान अनुरूप तीन बटा दो है, तो कोस 30 का मान भी अनुरूप तीन बटा दो ही है, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक दूसरे से क्या पूरक, इसी प्रकार से ये भी एक दूसरे से पूरक, ये भी एक दूसरे से क्या दोस्तों पूरक है। टेबल आपको यहाँ पे अच्छे से याद होनी चाहिए दोस्तों किसी भी हालत में, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पे हमने इसके पूर्व यानी कि यहाँ पे मैं कह दो जो छह मेजर वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर निकालेंगे वो यहाँ पे जब साइन कॉस और यहाँ पे साइन कॉस के बाद में यहाँ पे बात करूँ दोस्तों टेन कोट और सेक सेक और कोसेक ही निकालेंगे, और इनके अलावा कोई दूसरा ऐसा एक साइन के साथ कोसेक आ गया या फिर कोस के साथ सेक आ गया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। छह इस प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पे। अभी तक मैंने दो यानी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के बारे में बता दिया था, ठीक है। फिर बाद इस प्रकार से ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अनरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे माइनस अनरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक मिनट नंबर थर्ड, और नंबर थर्ड ले रहा दोस्तों यहाँ पे नंबर तीसरा, और नंबर तीसरा मैं यहाँ पे ले रहा दोस्तों ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा इसका जो इसका मैं कह रहा दोस्तों का मिनिमम यहाँ पे इसकी दोस्तों मिनिमम वैल्यू भी निकलेगी, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकलेगी और इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अनरूल टू ए रहेगी, ठीक है, टू ए बी रहेगी, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इसकी अलग रहेगी, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्यूशन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। नंबर फोर्थ की मैं बात करूँ दोस्तों ए टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, अभी बार में स्क्वायर नहीं ले रहा दोस्तों, यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं ले रहा हूँ, और का मिनिमम वैल्यू, इसका भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू इनकी भी नहीं निकलेगी, और यहाँ पे इनकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी दोस्तों वो भी क्या रहेगी दोस्तों दो अंडर रूट ए बी रहेगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि सेम रहेगी, ठीक है। यानी कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू दो अंडर रूट ए बी, ठीक है, और यहाँ पे ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा का भी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दो अंडर रूट ए बी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इसकी अनंत रहेगी, और इसको निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर समांतर श्रेणी गुणन श्रेणी की हमने बात की थी, ठीक है, तो यानी कि वहां से हम इनको निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी मैं निकाल के इनको वन बाई वन सबको प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद नंबर सिक्स्थ और नंबर फिफ्थ, ठीक है, नंबर फिफ्थ में बात करूँ दोस्तों यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे लिखा दोस्तों मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा दोस्तों, इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो मिनिमम जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रहेगी दोस्तों वो रहेगी ए प्लस बी और टू अंडर रूट ए बी रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो ये जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा कोस बी कोस स्क्वायर थीटा जो हमारे पास आया वो इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है, इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा अलग से। फिर बाद में नेक्स्ट बात करो दोस्तों इसी प्रकार से अगर नंबर सिक्स की बात करूँ यहाँ पे, और सिक्स में यहाँ पे सिंपल में यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ ए सेक थीटा एंड प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे का मिनिमम मान या कम न्यूनतम मान, ठीक है, और इसका न्यूनतम मान भी क्या रहेगा दोस्तों मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों यहाँ पे ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर यहाँ पे 3/2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को हम यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए एम जी एम के माध्यम से निकालेंगे, ए एम
जीएम, ठीक है, एम और जीएम के माध्यम से इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी दोस्तों वो अनंत रहेगी इन चारों की, ठीक है दोस्तों, यानी तीन चार पाँच छह इनकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो अनंत रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू न्यूनतम वैल्यू मैंने इस प्रकार से बताया, ठीक है। इनको एक बार उतारे दोस्तों, फिर बाद में वन बाई वन इन सारे स्टेप बाई स्टेप रहते हैं और इनको प्रूफ भी करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो ये किस प्रकार से रहता है, ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे दोस्तों, फिर बाद में अगेन नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे की सिचुएशन या फिर इनके क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, और अगेन इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे दोस्तों उनकी हम बात करते हैं स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास तीन चाइनीज का डेटा, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इस प्रकार से, एक तीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस चार कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पे का यहाँ पे लिख देता दोस्तों, जस्ट इस प्रकार से क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे लिख रहा दोस्तों, अधिकतम मान, अधिकतम मान और यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान। सबसे पहले इसको पहचानने का जो तरीका था दोस्तों क्या होता है, यानी पूरक है यानी, ठीक है, यहाँ पे जस्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देगा, इसके साथ ये पूरक है एक दूसरे के, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है। और फिर बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था इसके मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालने के लिए, ठीक है, मैंने बताया दोस्तों, तो जो जो बड़ा मान है, जो अधिकतम मान है वो अधिकतम मान रहेगा, ठीक है। तीन और चार में बड़ा कौन है, चार बड़ा, तो अधिकतम मान क्या रहेगा दोस्तों, चार रहेगा। तीन और चार में छोटा कौन सा दोस्तों, न्यूनतम मान यहाँ पे तीन रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये कैसे हुआ, इसको सोल्व कर, ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, ठीक है, इसको सोल्व करते दोस्तों किस प्रकार से हमारे पास ये हो रहा है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास इक्वेशन क्या देती है, तीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे चार कॉस स्क्वायर थीटा, और जो बड़े जो बड़ा वैल्यू रहता है, ठीक है, तीन साइन स्क्वायर, तीन साइन स्क्वायर, ठीक है, चार कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चार स्क्वायर कॉस, चार कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, तोड़ूंगा, और तोड़ने का जो मतलब रहेगा दोस्तों इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे मैं कहा दोस्तों इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हो, तीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस तीन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। इनमें से तीन तीन को मान आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान एक रहता है, तीन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, तीन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे पूरा का जो पूरा का पूरा जो मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो दोस्तों क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जीरो रहेगी, तीन प्लस जीरो, तीन प्लस जीरो यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी। और अगर मैं कहूँ कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एक है, तो तीन प्लस एक बराबर यहाँ पे चार, तो यहाँ पे जो अधिकतम मान क्या रहेगा दोस्तों, चार, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो इस पूरे की वैल्यू, यानी कि इस पूरे की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू किस पर निर्भर करी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर, इसको मैंने यहाँ पे इस प्रकार से सोल्व किया। और कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, तो जीरो प्लस तीन, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, तीन हो जाएगा, और तीन यहाँ पे क्या है, तीन हमारे पास दोस्तों क्या है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये न्यूनतम वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला। फिर बात आगे कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान एक है, तो तीन प्लस एक चार, तो यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों हमारे पास अधिकतम मान कितना है, चार, ठीक है, यानी इसको शॉर्ट में इस प्रकार से भी कर सकते हो, और इस प्रकार से भी जैसे कि हमने अभी पहले भी बताते हैं अपने नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसको भी इंसॉल्व करने की यहाँ पे क्या करते दोस्तों, कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर, देखो यहाँ पे जस्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ,
और इसको सोल्व करने की कोशिश, या इसी का क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। और यहां लेटर 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस का यहां पे 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। और इसका भी हमें अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान, ठीक है। और यहां पे लिखा दोस्तों न्यूनतम मान, यहां पे लिख दिया मैंने न्यूनतम मान, ठीक है। और यहां पे अधिकतम मान और न्यूनतम मान यहां पे मिलता है दोस्तों, जस्ट अधिकतम मान यहां पे 7 बड़ा तो 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहां से माइनस कर दिए तो यहां पे ये माइनस कर दिए, न्यूनतम मान हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे हुआ इसको देखिए, यहां पे मैंने अभी भी बताया था दोस्तों, जस्ट मैं क्या शांत sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा, और बड़ा जो बड़ी वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, तोड़ते हैं। क्या हम यहां पे इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, क्या हम इसको 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर, एक मिनट, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, यहां पे हमारे पास ये 3, दैट मींस यहां पे इनमें से कॉमन तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहां पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहां पे सिचुएशन नहीं बने वाला। तो इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे दोस्तों, इसको तोड़ने का जो तरीका रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा, 10 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 sin स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से तो तोड़ सकते हैं। और यहां पे मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, यहां से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, 10 और 3 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 10 sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 3, और यहां पे माइनस का 3 जस्ट मैं लिख देता हूं दोस्तों। और यहां पे जस्ट अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किस पर निर्भर करेगा, 10 sin स्क्वायर थीटा के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूं यहां पे जस्ट मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर जस्ट यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों sin स्क्वायर थीटा, या फिर मैं लिख देता हूं मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहां पे, मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहां पे जब sin स्क्वायर थीटा का मान 10 into यहां पे sin स्क्वायर थीटा का मान 1 रहेगा, तब माइनस का 3 दैट यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों 7 रहेगा। और मिनिमम वैल्यू की मैं अगर बात करना चाहूं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यहां पे किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, 10 into sin स्क्वायर थीटा का मान यहां पे 0 रहेगा, माइनस का 3 दैट यहां पे माइनस का 3 यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको इस अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। यहां पे ऐसे कैसे इसको भी मैंने जस्ट इस एज अ लाइन बाय लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा, ठीक है, आप जैसे भी कर रहे हो दोस्तों उसको समझ, ठीक है। दैट यहां पे ये दो क्वेश्चन का इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ऐसे, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। दैट यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगेन एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, और उसको भी हम सॉल्व करने की क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपने कर लिया होगा दोस्तों, और नहीं किया तो जल्दी से स्पीड से कर ले, ठीक है। तो मैं हटा देता हूं दोस्तों, यहां पे लिखा दोस्तों 5 sin स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर पास 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 का अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालना, ठीक है दोस्तों। यहां पे लिख देता हूं मैं अधिकतम मान और यहां पे लिख देता हूं मैं न्यूनतम मान, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे देख सकते हैं किस प्रकार से का न्यूनतम मान या अधिकतम मान निकलने वाला है, ठीक है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, या फिर मैं जो कांसेप्ट की बात की थी दोस्तों, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अधिकतम मान और न्यूनतम मान किसका निकल सकते दोस्तों, इसका निकल सकता, ठीक है। इनका हम यहां पे अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालेंगे, ठीक है, -3 तो यहां पे -3 है ये, ठीक है। तो यहां पे इन में देखते हैं दोस्तों, यहां पे 5 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा में जो 5 बड़ा है, तो यहां पे अधिकतम मान इसका 5 और -3 अलग से लेगा तो 5 -3 यानी इसका अधिकतम मान कितना रहेगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अगेन कि जस्ट 5 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, इनका अगर मैं यहां पे न्यूनतम मान की बात करूं तो इनमें, ठीक है, तो यहां पे 2 रहेगा और -3 देर का देखिए यहां पे मान
न्यूनतम मान की तरह देखिए दोस्तों माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अच्छे से इसको मैंने बताया, पांच साइन स्क्वायर थीटा प्लस तीन दो कोस स्क्वायर थीटा ये दे रखा है, और हमने यहाँ पे कंसेप्ट के अंदर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा की ही बात की, उसमें अधिकतम मान और न्यूनतम मान बताया था। ठीक है, जिसमें अधिकतम मान रहा है पांच, अधिकतम है तो यहाँ पे पांच माइनस तीन तो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे दो हो जाएगा, और यहाँ न्यूनतम मान यहाँ पे दो, दो में से यहाँ पे माइनस तीन घटा है, यहाँ पे माइनस का एक, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन बात करूं दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे अगले कंसेप्ट के बारे में, और अगला कंसेप्ट हमारे पास किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अगला कंसेप्ट की बात कर रहा दोस्तों, अगला कंसेप्ट हमारे पास किस प्रकार से रहने वाला है इसको आई थिंक आपने कर लिया होगा। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो न्यूनतम मान है। अधिकतम मान यहाँ पे मैंने क्या बताया दोस्तों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था। ठीक है, और न्यूनतम मान यहाँ पे माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते दोस्तों किस प्रकार से आता। ठीक है, बाय डेरिवेटिव यानी अवकलन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं सबसे पहले बात कर लेता दोस्तों ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू क्या अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, वो रहेगी अंडर रूट ठीक है, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों बाय डिफरेंशिएशन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको मैं किसके बराबर लूंगा बताओ, वाई के बराबर लूंगा यहाँ पे, और वाई के बराबर ए साइन थीटा। थोड़ा सा आपको कठिन तरीके से आ सकता है दोस्तों, लेकिन मैं इतना कठिन आपको नहीं बताऊँ। ठीक है दोस्तों, आपको अवकलन करना आता है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे y का अवकलन dy बाय dx, ठीक है, dy बाय d थीटा, थीटा के माध्यम से यानी थीटा दे दें यहाँ पे थीटा, और a sin थीटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया, और अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू के लिए हमें दोस्तों इसको किसके बराबर करते हैं, dy बाय d थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस यहाँ पे a cos थीटा बराबर यहाँ पे b sin थीटा, एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों अगेन sin थीटा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों sin थीटा बटा cos थीटा, दैट यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों b या a by b, ठीक है, a by b दैट tan थीटा लाल बटा करता है लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लंब बटा ये आधार, लंब बटा आधार के बराबर होता है, और कर्ण यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, कर्ण हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, दैट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ दोस्तों ए, ए की जगह ए रख रहा हूँ। ठीक है, यानी ये प्लस माइनस में यहाँ पे ये रहता है, इससे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये प्लस माइनस में रहेगा, कर्ण इसमें रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट टू पाइथागोरस थ्योरम जो रहता है दोस्तों, और उसके अनुसार ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में, या पहले मैं यहाँ पे प्लस वाले वैल्यू लेकर लेके देखा दोस्तों, ए साइन थीटा, साइन थीटा लाल बटा कर्ण लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पे ए दे रखा। ठीक है, ए बटा कर्ण यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा। ठीक है, फिर बाद में बात करें दोस्तों बी और कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे आधार बटा कर्ण, और आधार हमारे पास क्या है दोस्तों इसमें बी, और हमारे पास कर्ण हमारे पास ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे अंडर रूट ए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो अंडर रूट यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे प्लस में है, और ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे माइनस में, तो इस प्रकार से हमने इसको निकाला। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा विशेष कुछ बातें
ध्यान रखने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से जल्द हटा रहा हूँ, ठीक है। टाइम लिखने का यहाँ पे मैं इसके बारे में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्यूशन का है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटाने के बाद डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी का कुछ विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, चार साइन थीटा प्लस पांच कॉस थीटा का अधिकतम मान, अधिकतम मान, ठीक है। और अधिकतम मान यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे अधिकतम मान निकालने के लिए हमारे पास जो सिचुएशन बनती है दोस्तों, यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा देखने से यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों, हमारे पास घात यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो अधिकतम मान निकालने के लिए हमारे पास अंडर रूट राइट में उत्तर लिखते अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट यहाँ पे अंडर रूट ए इज द 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो इसमें 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 16 प्लस 25 41 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 41 का क्या रहेगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, और नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन की किस प्रकार से मैं इसको ले रहा हूँ, 5 sin थीटा 12 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का यहाँ पे न्यूनतम मान क्या है, ठीक है दोस्तों, का न्यूनतम मान, ठीक है दोस्तों। इसमें न्यूनतम मान किस प्रकार से रहने वाला, ठीक है। न्यूनतम मान और न्यूनतम मान निकालने के लिए माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों अगेन यहाँ पे और अंडर रूट माइनस यहाँ पे दे रखा है, और ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 169 हो जाएगा, ठीक है। 169 और माइनस का यहाँ पे 13 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, किस प्रकार से हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखा दोस्तों 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा का यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों हमारे पास न्यूनतम मान, या फिर मैं अधिकतम मान लिख देता हूँ, ठीक है। का अधिकतम मान यहाँ पे क्या रहने वाला, ठीक है। अधिकतम मान यहाँ पे क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों हमारे पास अधिकतम मान के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यहाँ पे कितना रहता है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मेरे से तो 225 प्लस 64, तो 269 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 290 हो जाएगा, और 290 बराबर यहाँ पे 17 का मैक्सिमम वेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको एक मिनट, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करो इसको जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन अगला कंसेप्ट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगला कंसेप्ट किस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है, जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों अगेन, ठीक है। और अगेन यहाँ पे बात करता हूँ मैं टेन के लिए, ठीक है। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अनंत रहेगी, ठीक है दोस्तों। और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट ए बी, अंडर रूट 2 ए बी, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 अंडर रूट ए बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहती है, तो देखते हैं यहाँ पे ये आया कैसे, पहले तो उसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैंने बताया था पहले भी कि अर्थमेटिक या फिर मैं कह सकता हूँ प्रोग्रेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था, श्रेणियां यानी समांतर श्रेणी, गुणांतर श्रेणी, इनके बारे में पढ़ा था। उनके माध्यम से इसका क्या निकला दोस्तों, ये फॉर्मूला निकलता है या फिर 2 अंडर रूट ए बी निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको एक बार देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दोस्तों, मैं पहले तो ए टेन स्क्वायर थीटा देखो, पहले क्या दोस्तों ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस
बी कोट स्क्वायर थीटा फिर वाले ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा, इन दोनों का हमारे पास क्या निकलता दोस्तों, मिनिमम वैल्यू निकलती, दोनों की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकलती है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकलती नहीं, और मिनिमम वैल्यू रहती है दोस्तों दो अंडर रूट ए बी रहती है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों आया कैसे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें ए बी का समांतर माध्य, ठीक है, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी श्रेणी दे जिसके अंदर ए बी ही दे रहेगा उसका समांतर माध्य, ए बी का समांतर माध्य हमें पता है दोस्तों ए बी का समांतर माध्य ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है यहाँ पे ए बी के गुणोत्तर माध्य से, ठीक है, ए बी के गुणोत्तर माध्य से क्या रहता है दोस्तों ये ग्रेटर देन इक्वल रहता है, ठीक है, आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों यहाँ पे ये यहाँ पे पहले पहले इसको अच्छे से बताया था, ठीक है, देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अब हमारे पास ए बी की जगह ए टेन थीटा और बी कोट थीटा, देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए टेन थीटा और बी कोट थीटा, ठीक है, बी कोट थीटा का कोट थीटा का यहाँ पे वैल्यू देता हूँ दोस्तों का समांतर माध्य, ठीक है, यहाँ पे मैं ए एम अर्थमेटिक में ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ ए टेन थीटा और बी जस्ट बी कोट थीटा का ज्योमेट्रिक में, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए टेन थीटा बी टेन थीटा का जो अर्थमेटिक मेन होता है दोस्तों वो क्या होता है ए टेन थीटा प्लस बी cot theta divided by 2, ठीक है, is greater than equal to यहाँ पे under root ab, ठीक है, under root ab मतलब यहाँ पे a tan theta into यहाँ पे b cot theta, इस प्रकार से रहता है, और इसको solve करेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से आएगा दोस्तों, यहाँ से a tan theta plus b cot theta, ठीक है, b cot theta is greater than equal to यहाँ पे a tan theta और या tan theta और cot theta एक दूसरे से क्या दोस्तों व्युत्क्रम होते हैं, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों ए बी बचेगा और ये दो भाग में जाते किस मतलब दोस्तों गुण हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने किसके लिए बात की ए टेन थीटा बी कोट थीटा, अगर स्क्वायर भी होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर और यहाँ पे तो भी एक दूसरे से क्या दोस्तों व्युत्क्रम होते आपस में कट जाते, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास मान आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ इस प्रकार से मैंने इसको निकाला, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतार लें, फिर या फिर मैं इसको उतारने के लिए टाइम नहीं दे रहा दोस्तों अलग से, क्योंकि आपको ज्यादा विशेष इसके बारे में ध्यान नहीं रखना, ठीक है, और आपको इसको सिर्फ करना, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पर आया कैसे फॉर्मूला उसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान नहीं दे, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। वैसे आपको एक बार मैथमेटिक्स ऐसा सरल पार्ट है दोस्तों, यहाँ हलवा कह सकता हूँ मैं, ठीक है, एक बार आपने देख लिया तो वापस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी अभी से आपको कंसेप्ट हो सकेगा, एग्जाम से पहले अगर आप एक बार सिर्फ देख लेते हो तो आपके लिए वो कंसेप्ट दोस्तों अच्छे से बना रहेगा, ठीक है, यानी एक तो यानी कि मैथ बहुत ही हलवा दोस्तों तुम्हें बहुत ही सरल, आप एक बार कर लिया मतलब आपका क्लियर हो टॉपिक, ठीक, और फिर बाद एग्जाम से पहले देखने की जरूरत है, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों, एक चीज है हमारे पास है अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग प्रैक्टिस ले और वहां से करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ, और क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा तीन टेन थीटा प्लस 27 कोट थीटा प्लस 4 का यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों का न्यूनतम मान, ठीक है, का न्यूनतम मान क्या रहेगा, ठीक है, न्यूनतम मान, ठीक है, इसका न्यूनतम मान यहाँ पे क्या रहना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तीन टेन थीटा प्लस 27 कोट थीटा प्लस 4, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ तीन टेन थीटा और 27 कोट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात की थी, ठीक है, यानी ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की थी, यहाँ पे 4 के साथ में पढ़ा, ठीक है, इसको साथ में ऐड कर लेंगे, तीन टेन थीटा और 27 कोट थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू रहता दोस्तों वो क्या रहता है, या सॉरी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अनंत रहता है, ठीक है, दैट यहाँ पे तीन इंटू दो अनरूट दो अनरूट दो अनरूट तीन इंटू 27, ठीक है, इस प्रकार से लिखा प्लस 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू यहाँ पे अनरूट 27 81 हो जाएगा, 81 का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 9 होता है प्लस का 4 दैट 18 और 2 18 और 4 22 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों 18
18 यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा, 8 कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 5 का यहाँ पे लिख देता दोस्तों न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम यहाँ पे इसका न्यूनतम मान क्या रहेगा, ठीक है, न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो इसके 18 टेन स्क्वायर थीटा और 8 कोट स्क्वायर थीटा के लिए, यहाँ पे माइनस साइन में पड़ा है इसको दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन दोस्तों 2 अंडर रूट ए इंटू बी माइनस का यहाँ पे 5 हमारे पास है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 अंडर रूट ए एन 18 इंटू यहाँ पे 8, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। और यहाँ पे 18 इंटू 8 हमारे पास अप्रोक्सीमेट 144 अंडर रूट 144 का मान हमारे पास 12 रहेगा, 12 2 इंटू 12 माइनस का 5, देखते हैं मैं कह सकता हूँ 24 माइनस 5 यानी 19 इसका मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है, न्यूनतम वैल्यू रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो कंसेप्ट है ना दोस्तों उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए मैं बात करूंगा दोस्तों, और इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको भी मैं यहां से हटा रहा हूं और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा जो एक दूसरे के ये भी पूरक है दोस्तों, ठीक है, और फिर बाद अगेन मैं बात कर रहा हूं इसके बाद इनकी भी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो देखते हैं यहां पे मैं लिखता हूं ए ए ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का और यहाँ पे का न्यूनतम मान लिखना, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम न्यूनतम मान यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसका न्यूनतम मान क्या रहने वाला, या फिर इसका न्यूनतम मान मैं डायरेक्ट बता देता दोस्तों, यहाँ पे क्या रहता है ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी होता, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने पहले भी अच्छे से बताया, ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेन करते आया कैसे, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों, तो इसको डायरेक्ट याद भी रखने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इस प्रकार से लिखा, ठीक है दोस्तों, और मैं क्या दोस्तों इसको हम जस्ट ए सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, प्लस बी और यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए ए प्लस बी ए और यहाँ से बी प्लस यहाँ पे ए टेन स्क्वायर थीटा और बी कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अभी अभी हमने लास्ट बताया था दोस्तों ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, दैट मींस यहाँ पे 2 अंडर रूट ए बी होता है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों इसका ये मिनिमम वैल्यू रहता है, इसका भी जो अधिकतम मान रहता है दोस्तों वो भी क्या रहता है अनंत रहता है, ठीक है, तो इसको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो
क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास अगेन, और अगेन में क्वेश्चन की मैं बात कर रहा तो इस प्रकार से रहेगा, हमारे पास चार sec स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे नौ cosec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या रहने वाला है, ठीक है, न्यूनतम मान यहाँ पे इसका क्या रहने वाला है, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने अभी भी बताया दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा देगा, cos स्क्वायर थीटा देगा, एक दूसरे से पूरक है, चार और नौ यहाँ पे यहाँ ए भी दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे ए प्लस बी प्लस टू अंडर रूट ए बी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है। तो a प्लस बी यानी कि चार प्लस नौ प्लस दो इंटू अंडर रूट चार इंटू नौ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा तेरह प्लस दो इंटू छत्तीस, अंडर छत्तीस का मान छह है, तो यहाँ पे इसका जो तेरह प्लस बारह यानी कि पच्चीस हो जाएगा, ठीक है, इसका जो हमारे पास न्यूनतम मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, जस्ट इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पे मैं आपकी बात जो क्वेश्चन ले दोस्तों वो इस प्रकार से देखो, जस्ट मैं कह रहा दोस्तों आठ sec स्क्वायर थीटा प्लस दो cosec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। दैट अगेन वही वाला सिचुएशन, ए प्लस बी अंडर रूट टू अंडर रूट ए बी, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों ए यानी आठ प्लस दो इंटू अंडर रूट आठ इंटू दो, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, आठ प्लस दो सोलह प्लस यहाँ पे अंडर सोलह का मान चार और दो इंटू चार, देखने से यहाँ पे बिता देंगे सोलह प्लस आठ बारह बारह यहाँ पे बिता देंगे दोस्तों, चौबीस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने लिखा। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ दोस्तों यहाँ पे माइनस का तीन दे रखा है, या फिर यहाँ पे मैं क्या दोस्तों प्लस का यहाँ पे पांच दे रखा है, तो यहाँ पे इसमें ज्यादा डाउट है, ज्यादा प्रॉब्लम्स की बात है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का पांच कर दे, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं इसमें यहाँ पे प्लस का पांच कर दे, क्योंकि यहाँ से इतनी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, तो प्लस का पांच कर देते, यहाँ पे पांच पच्चीस प्लस पांच कितना देगा तीस हो जाएगा, या फिर मैं कैसे कर दूँ अगर इसमें माइनस का तीन दे रखा है तो यहाँ पे माइनस का तीन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इक्कीस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा विशेष तौर से डाउट नहीं रखना दोस्तों, किसी प्रकार का क्वेश्चन देखा हमें जो हमारा कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार से ही बनते हैं और इन्हीं प्रकार से आपको इनको ध्यान में रखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इनको एक बार जल्दी से करें, आई थिंक थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत कर दिया ना, यहाँ पे सोलह कैसे आएगा, दस आएगा ना, दस यहाँ पे हमारे पास दस, ठीक है, तो यहाँ पे अठारह अठारह रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये अठारह रहेगा, अठारह माइनस तीन यहाँ पे पंद्रह रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई थी दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम मैंने कैसे कर, लेकिन यहाँ पे जस्ट वाइंड ऑफ ऑब्सेंट, ठीक है, और आपको ऐसा नहीं होने देना, ठीक है, इसको करें दोस्तों एक बार जल्दी से, फिर बात करें। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आएगा दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कौन सा, कि ए sec थीटा प्लस बी cosec थीटा की बात, यानी यहाँ पे तो हमारे पास स्क्वायर है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे अगर वाला कंसेप्ट में स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बाकी वाली बातें हमारे पास है, उसके लिए हमने भी उसके लिए भी हमने अलग से फॉर्मूला बताया था दोस्तों, ठीक है, उसको हम यहाँ पे वैसे बता नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, किस प्रकार से वो आया है आप उसको खुद ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, और मैं इनके डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों हमारे पास, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि a sec थीटा प्लस b cosec थीटा का
यहाँ पे भी इसका न्यूनतम मान, ठीक है दोस्तों, इसका न्यूनतम मान निकलेगा, मेजर मान इसका भी क्या रहेगा दोस्तों, अनंत रहने वाला, ठीक है। इनका न्यूनतम मान यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 दे रहा था, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रहा था। और यहाँ पे इसको प्रूफ करना है, अगर मैंने करवाया दोस्तों तो इसको वापस अगेन क्या ले दोस्तों, y के बराबर ले, अपना ले 0 के बराबर करें, जहां से हमारे पास tan थीटा या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों tan थीटा के इक्वल हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, फिर आप इसको यहाँ पे इसके अंदर sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत लंबा चौड़ा मामला है, तो यहाँ पे ज्यादा हमें लंबा चौड़ा मामला यहाँ पे नहीं रखना, ठीक है। एग्जाम में आपको अगर पूछा जाता डायरेक्ट है तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करा देखो यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जस्ट 27 और 27 लिखा मैंने, और यहाँ पे sec थीटा, ठीक है, sec थीटा प्लस यहाँ पे 8 cosec थीटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान यहाँ पे इसका क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या देगी दोस्तों 27, b की वैल्यू 8 देगी, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है, इसको एक बार a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर यहाँ पे 3/2 दे रहा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रहा। और इसमें आगे इसको इनके वैल्यूज पुट अप करके इसको सॉल्व करने की क्या करा दोस्तों कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे a इज द 27 की होल पावर 2/3 प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट अगेन b इज द 8 एंड यहाँ पे 2/3 की होल पावर 3/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों अगेन 27 का जो गर्मूल रहेगा दोस्तों वो 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना रहेगा 9, ठीक है, यहाँ पे लिखा 9, फिर बाद में 8 का गर्मूल 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखा और 3/2 यहाँ पे पावर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे 3 + 4 = 13 और 13 की होल पावर 3/2 और 13 का यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों वर्गमूल निकलेगा नहीं, पहले तो यहाँ पे इसका गर्म निकालते हैं, गर्म यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ या फिर देखो यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से देखो यहाँ पे जस्ट इसको आगे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं 13√13 ऐसा भी इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व नहीं करना है, अगर आपको करना को कह रहा है तो करें, नहीं तो यहाँ आगे हो गई कि यहाँ पे गन निकाल देगा और यहाँ पे इसका आगे 1/2 इस पे निकलेगा, ठीक है, गन यहाँ पे निकलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको रखें तो इसको करें एक बार जल्दी से, फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट अगेन हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है दोस्तों थोड़ा हटके हैं, बिल्कुल हटके हैं, और आपको जस्ट टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, जस्ट टेबल आपको पूरी की पूरी एक्यूरेट याद रखनी चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको अगर याद नहीं है तो उसी को हम उसी क्वेश्चन में टेबल बैठ जाए, अगर नहीं याद है तो आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं, जस्ट आपको ये पहले की क्लास में भी सिखाया गया है, ठीक है, पहले की क्लास में भी आपको सिखाया गया, जब आप 10th में 9th में 11th 12th में थे, आपको टीचर्स वगैरह ने बताया हुआ कि क्लास सेंटर में जाते पहले मैथ में जो पहला हमारे पास एसोसिएट देते हैं, एसोसिएट में पीछे वाला पेज होता है उसके पीछे आप टेबल बना ले स्पीड से, ठीक है, तो ऐसा काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्यों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला जो मार्क रहता है दोस्तों वही है, ठीक है, अभी हमने टेबल बनाया था दोस्तों, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद करे तो बेटर रहेगा, ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे बार बार तो वहाँ पे आपको इसको नोट डाउन कर लेना है एग्जाम सेंटर में जाते पहले, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जस्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 sin² 45° माइनस यहाँ पे लिखा दोस्तों प्लस 2 tan² या फिर मैं लिख दू tan² 30° और फिर बाद में यहाँ पे लिखा दोस्तों 5 sec² 45°, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा और इसका हमारे पास जो मान रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 sin² दे रखा और sin 45° का मान यहाँ पे स्क्वायर देगा, दैट 1/2 यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ अगर 3 × 1/√2 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर यहाँ पे दैट मीन्स इसको सोल्व करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1/2 लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ज्यादा लंबा नहीं खींचना ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10² 30° दैट यहाँ पे 10² 30° का मतलब यहाँ 10 30 का मान यहाँ पे 1/√3 होता और स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे √ हट जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया माइनस का 5 × यहाँ पे sec² 45° और यहाँ पर भी मैं अगेन बात करना चाहूँ दोस्तों
तो 5 इनटू यानी स्क्वायर देयर का अनुरूप सेक सेक 50 डिग्री का मान यहां पे अनुरूप 2 होता है, तो यहां पे स्क्वायर देयर का अनुरूप 2 भी यहां से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करा देते हैं। 3/2 यहां पे हो जाएगा, 3/2 यहां पे, 2/3 ठीक है, और माइनस का 10 ठीक है। उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको देखो यहां पे जस्ट हमारे पास 6, तो यहां पे 3 9 और यहां पे 2 4 और यहां पे हमारे पास कितना देंगे दोस्तों, 6 और 7 ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, दैट मींस यहां पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, 47 -47 - 47/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया, और इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए फिर बाद नेक्स्ट हम आगे अगेन ऐसे कैसे क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, 2-4 ठीक है। फिर बाद में इस सेशन को यहीं पे आज खत्म करेंगे ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट, अगेन मैं बात करता हूं दोस्तों इसके बाद, देखो इसको हटा रहा हूं मैं दोस्तों, और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं इसी प्रकार से, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं ठीक है। वो क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है ठीक है, यहां पे मैं ले रहा हूं दोस्तों अगेन अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारे पास 1 1 + sin π/4 + यहां पे sin π/6 ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा इसको ठीक है, एंड अगेन यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1 - cos π/4 और प्लस यहां पे cos π/3 ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा ठीक है दोस्तों, और यहां पे मैं गया दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और सॉल्व यहां पे किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, 1 + sin 45 का मान यहां पे कितना होता है, 1/√2 होता है ठीक है। और इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, और यहां पे sin 30 का मान यहां पे कितना रहेगा दोस्तों, 1/2 रहेगा। फिर बाद में अगेन 1 - sin cos 45 का मान यहां पे 1/√2 रहेगा। फिर बाद में यहां पे cos 60 का मान भी 1/2 रहने वाला ठीक है दोस्तों। अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को 1/2 को जोड़ा दिया, 3/2 माइनस प्लस का 1/√2 ठीक है, और फिर बाद में यहां पे इनको इनको साथ में जोड़ा, तो यहां पे 3/2 और माइनस का 1/√2 ठीक है। इसको सॉल्व कराओ, a + b a - b मान लो यहां पे 9/4 माइनस यहां पे 1/2 ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 4 9 - 2, तो यहां पे हमारे पास आएगा 7/4 इसका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा ठीक है। काफी स्टेप छोड़ते जाए दोस्तों, यहां पे मैंने कैलकुलेशंस किया है ठीक है, काफी चीजें छोड़ते हुए इसको मैंने कर लिया ठीक है। तो आपको भी इतना स्पीड से करना है ठीक है, किस प्रकार से क्या, आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों। a + b a - b यहां पे a² - b² यहां पे मैं लिखता 3/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस a√2 का होल स्क्वायर, जैसे इसको सॉल्व करता तो यहां पे थोड़ा काफी वक्त लग सकता था हमें, लेकिन इसका वक्त हमने जाया नहीं किया ठीक है। देखते नेक्स्ट हम क्वेश्चन आगे वाला करते हैं दोस्तों, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ठीक है। तो आई थिंक आज के सेशन में हम लास्ट क्वेश्चन रख रहे हैं ठीक है, इसको हम लास्ट क्वेश्चन रख रहे हैं ठीक है। और आज आपको अगर टेबल याद नहीं है दोस्तों, तो कल से आपको अच्छे से याद कर लेना इस टेबल को ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आपको कोई याद नहीं है ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों करना ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं इसी प्रकार से, 1 + देखो क्वेश्चन नंबर 1 + tan π/6 और 1 - tan π/6 ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अंडर रूट यहां पे लिख देता हूं, 1 + π/6 का मान यानी कि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ठीक है, और यहाँ पे 1 - 1/√3 इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते दोस्तों। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे √3 कर जाएगा, इसका आंसर होगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 ठीक है, और √3 - 1 ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने सॉल्व कर लिया ठीक है। इसका हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं दोस्तों, रेसिप्रोकल नहीं रैशलाइजेशन लेते हैं ठीक है, पर मैं कट करता है यहाँ पे
ठीक है। और पर मैं कर यहाँ पे मैं आगे वाले स्टेप में कर लेता दोस्तों, देखो अनरूट तीन प्लस एक इंटू यहाँ पे अनरूट तीन माइनस का एक, और नीचे यहाँ पे अनरूट तीन माइनस का एक और अनरूट तीन माइनस का एक, ठीक है। इस तरह से रिलेशन किया दोस्तों मैंने, और आगे वाला जो स्टेप रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला, देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट अगेन में बात कर रहा हूँ इसमें, देखो यहाँ पे अनरूट तीन प्लस एक का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास तीन माइनस एक तो यहाँ पे दो हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे मैं खोल रहा हूँ दोस्तों इसको, ठीक है। और आगे किस प्रकार से खोल रहा हूँ, देखो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे दोस्तों खोल रहा हूँ, ठीक है। तीन प्लस यहाँ पे दो अंडर रूट तीन और प्लस एक बट्टा यहाँ पे दो, तो यहाँ पे तीन और एक चार प्लस दो अंडर रूट तीन बट्टा यहाँ पे दो, ठीक है। और इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों मैं, दो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस अंडर रूट तीन का और इस प्रकार से लिखा, और यहाँ पे बट्टा दो, दो से दो कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है दोस्तों वो किस प्रकार से, एक मिनट यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे दो है ये, ठीक है। तो आंसर आने वाला वो दोस्तों है दो प्लस अनुरूप तीन, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसा करना चाहे जैसे वैसे कर सकते, जैसे ऑप्शन में हमारे पास हमें कह रहा वहां तक लेके चाहे, ठीक है। आंसर तो यहाँ पर भी निकल सकता है, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा आगे इसको, या फिर मैं देखो यहाँ से अनुरूप स्क्वायर स्क्वायर अंडर दो हटा दो और नीचे अंडर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो अब ऑप्शन में देगा जैसे वैसे कुछ आप ऐसा कर ले, ठीक है। कल हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट इनिशियल रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, और आज के सेशन में हम इतने रहते हैं, नेक्स्ट सेशन के और नेक्स्ट सेशन में और कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। संदेश के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपसे देखे टू शेयर कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक भी करें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। शेयर करना दोस्तों ये आप बोलना नहीं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से है।